हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पे आपका स्वागत है और आप लोग मुझे जानते हैं, मैं हूँ अनिल बागुल। तो दोस्तों, मेरे चैनल का नाम है ऑटो रिक्शा ज्ञान। दोस्तों, मैं महाराष्ट्र नासिक से हूँ और ऐसे टू स्ट्रोक से लेकर फोर स्ट्रोक के जो ऑटो रिक्शा ज्ञान के रिलेटेड सब बहुत सारे वीडियो डालता हूँ। तो दोस्तों, फिर आगे चलते हैं और वीडियो की शुरुआत करते हैं, क्योंकि बहुत ही खास है आपके लिए। तो दोस्तों, देख सकते हैं फोर स्ट्रोक गाड़ी का जो भी साइलेंसर है, क्यों खोलने का है और कब खोलने का है इसकी जानकारी। दोस्तों, बहुत से ऑटो ड्राइवर को पता होता है टू स्ट्रोक जो गाड़ी चलाते हैं, तो उनको जो टू स्ट्रोक गाड़ी में टूटी ऑयल मिक्स करने के बाद उसको साल में या छः महीने कभी भी आपको खोलना ही पड़ता है, क्योंकि पिकअप और उसके अंदर होने वाला कार्बन, उसके लिए आपको उसको खोलना पड़ता है। तो दोस्तों, फिलहाल ये फोर स्ट्रोक गाड़ी है ये, और ये गाड़ी इस तरह प्रॉब्लम क्यों दे रही है और पिकअप में जो प्रॉब्लम होता है, तो ये इस चीज़ के बारे में आज की जानकारी। तो फोर स्ट्रोक गाड़ी इसे खोलने के लिए साइलेंसर को कहाँ से उसके दो नट और तीसरा नट, ये दो और ऊपर के तीसरे, ये तीन नट को खोलना है और उसके बाद आपको गाड़ी के अंदर जो प्रॉब्लम है उसकी जानकारी आज मिलने वाली है। तो इसको खोलने के लिए इसको इस तरह खोला जाता है, आपके पास 14-15 का रिंग पाना, चपटी पाना या गुटकी पाना हो तो इसको नीचे की तरह इस तरह खोल लेना है। दोस्तों, एक बात ध्यान रखना है, आपकी फोर स्ट्रोक गाड़ी 205 सीसी का इंजन है, अभी 236 की भी जो BS6 गाड़ी आई है, वो तो कोई भी ऑटो रिक्शा हो तो कभी कभार क्या होता है दोस्तों, आप ऑटो चलाने के बाद उस पर मशीन या इंजन के पास जाते हैं, तो दोस्तों ये इंजन ठंडा होने के बाद ही उसे खोलना है। आप जल्दबाजी ना करें और गर्म इंजन के पास गलती से भी जो साइलेंसर है बुरी तरह हाथ झुलस सकता है। और मेरे को खुद मुझे भी लगा, कभी कभार क्या होता है दोस्तों, गाड़ी बंद पड़ जाती है, गर्मी के दिनों में बहुत ही ओवर हीट होती है और बुरी तरह हाथ जल सकता है। तो दोस्तों, ये जानकारी देना हमारा काम है, हम जब काम करते इसलिए हमें पता होता है। बहुत से ऑटो ड्राइवर को ये ध्यान देते नहीं और जो गाड़ी के अंदर हाथ डालने के बाद उनको जो गर्म इंजन का जो हाथ से जल जाता है, उसके लिए हमें बताना हमारा काम है। तो दोस्तों, फिलहाल मेरा दोस्त इमरान आपको दिख रहा है, बहुत से वीडियो में आपको दिखता रहता है, फोर स्ट्रोक से लेकर टू स्ट्रोक जो भी काम करते हैं, बहुत सारे वीडियो बनते हैं और बनाते हैं, और फिर जैसे वक्त मिले वीडियो एडिट करने के बाद आपके लिए यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करते हैं। दोस्तों, ऐसे आपका प्यार बने रहे, 2000 जो मेरे सब्सक्राइब हुए और 2 मिलियन से ज़्यादा पूरे व्यू आ चुके हर वीडियो, तो इसके लिए आपका सभी का धन्यवाद करता हूँ। और ऐसे बहुत सारे वीडियो और आगे चल के आपको देखने को मिलने वाले। तो ऑटो रिक्शा ज्ञान, दोस्तों ये चैनल जब मैंने खोला, ये मैं इसलिए खोला, बहुत से ऑटो ड्राइवर को परेशानी होती है कभी कभार, कौन से मिस्त्री हो, किसके पास काम करना है, तो ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, टू स्ट्रोक जो मिस्त्री है वो भी काम करता है, खाली उसे थोड़ी बहुत जानकारी दी आप दिखा सकते हैं। कभी कभार क्या होता है, आप कहाँ आउट ऑफ जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो आपको फिटर नहीं मिलता है, और बहुत सारे फोर स्ट्रोक गाड़ी का यही प्रॉब्लम है, फोर स्ट्रोक गाड़ी का फिटर मिस्त्री मिलते नहीं और बहुत सारा खर्चा पैसा जाता है। तो ये दोस्तों इसलिए वीडियो बनाता हूं, आपको जानकारी मिले और आगे चल के ये जानकारी हर दोस्त या गाड़ी ऑटो ड्राइवर को होनी चाहिए। तो फटाफट अभी देख सकते हैं, इस तरह उसको दो रिंग पानी है, पट्टी पाना है, इसको खोलने का तरीका भी आपको बता दिया और देख भी सकते हैं, उसमें तीन ही नट होते हैं। तो दोस्तों, कुछ नई गाड़ियों में चौथा नट भी होता है, जो बोल्ट होता है बड़ा सा, वो फाउंडेशन के या बॉडी के पास होता है। तो फिलहाल स्पेयर पार्ट दुकान में मुझे मिला नहीं, इसलिए मैंने उसका यूज़ भी नहीं किया, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो दोस्तों, अभी फिलहाल आगे चलते वीडियो की, आगे वीडियो जो है आपके लिए उसकी खोलने के लिए, आप फोर स्ट्रोक गाड़ी है, कभी फोर स्ट्रोक गाड़ी का साइलेंसर खोलने की ज़रूरत तो पड़ती नहीं, पर कभी कभार वो जो गाड़ी का जो कार्बन है उसमें अंदर बढ़ जाता है, बहुत साल हो गए, 6-7-8 साल के ऊपर होने के बाद जो उसके अंदर जो प्रॉब्लम है, उसको खोलने का तरीका तो आप देख सकते हैं किस तरह उसको तीन ही नट दिए कंपनी ने। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं उसका जो नीचे की डब्बी है, पतरे की जो साइलेंसर की, उसको तार से बांधा था और बहुत सारा आवाज़ आता था, और उसमें ये उसके बाद उसको आपको सर्विस स्टेशन पे ले जाने से पहले उसमें डीजल या पेट्रोल या फिर उसको केमिकल मिक्स करने का, उसके अच्छी तरह से कार्बन उसका आधा घंटा रखना है, उसके बाद ही सर्विस स्टेशन ले जाने का उसको प्रेशर से। अब फिलहाल फिटर मेरे साथ ही है, दोस्त है, इसलिए हम साथ में काम करते, तो आपको देख सकते हैं ये चीज़ें दिखने को मिलती है। दोस्त ऐसा फिटर मिस्त्री आते नहीं है, और ये काम गाड़ी आपको खुद को करना पड़ता है। दोस्तों, ये थोड़ा क्या दो सब मिला के आपको 200-250 रुपये के बस भी खर्चा है तो कोई वादा नहीं है, पर गाड़ी का काम और माइलेज और एवरेज और पिकअप और गाड़ी का जो साउंड है पूरी तरह बदल देता है, इसलिए आपको ध्यान देना, जब भी आप साइलेंसर खोले तो इस चीज़ पे गौर करना है,
तो आप कब खोलना ये, ऐसा कोई जल्दबाजी ना करें। जब आपको गाड़ी का पिकअप में कोई प्रॉब्लम दे या फिर माइलेज में प्रॉब्लम दे, तो दोस्तों यही चीज़ें होती है, तो उसको छोटी मोटी चीज़ें जानकारी हो तो भी आप खोलना है। तो दोस्तों अब ये देख सकते हैं ये नट पूरी तरह ख़राब हो चुके हैं, पुराने ये शोरूम के टाइम से गाड़ी जैसी थी। तो कभी कभार क्या होता है, धूल मिट्टी कीचड़ और बारिश का पानी की वजह से इसको जंग लग जाता है और ये कभी खुलते ही नहीं, उसको इस तरह जला के ही निकालना पड़ता है। दूसरा है दोस्तों ये है गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग जैसे आप देख सकते हैं गाड़ी आप जब चलाते हैं, ये गाड़ी के पास में जाके ही ऐसा काम ना करें, उसे खोलना ही पड़ता है, क्योंकि गाड़ी के अंदर LPG CNG हो या पेट्रोल, ये जलने से गाड़ी नुकसान हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। इसके अच्छा बेहतर है इसको खोल के ही वेल्डर के पास लेके जाएं। तो अभी वेल्डिंग का पूरा काम हो चुका है, 100-150 रुपये लगते हैं दोस्तों, और कोई ज़्यादा झंझट वाला काम नहीं। ये खोलने से पहले आपको ये भी चीज़ बता देता हूँ कि साइलेंसर खोलने के बाद आपको इसके जो पैकिंग है, जो वो पैकिंग भी लेके रखना है, 10-20 रुपए की पैकिंग है जो अच्छे से कंप्रेसर पकड़े, पुरानी जो पैकिंग है उसे खोल के फेंक दे, और नई वाली जो राउंड वाली जो हेड के पास साइलेंसर फिट होता है वहाँ लगा देना है। दोस्तों साइलेंसर के पास भी होता है जो समोसा पैकिंग बोलते हैं, जो चांदी के जैसी दिखती, तो वो भी आपको बदल देना है। तो फिलहाल मैं पहले भी खोल चुका हूँ, पर शायद तब वीडियो नहीं बनाता था, इसलिए मैंने आपको खाली जो मैं जानकारी उसके लिए दे रहा हूँ, और अच्छे से कंप्रेसर पकड़े और गाड़ी पिकअप पकड़े। तो काम हो चुका है और आप देख सकते हैं अभी वेल्डिंग इस तरह करने के बाद मेरा साइलेंसर पूरी तरह अच्छा हो चुका है, और कंप्रेसर का जो थोड़ा सा प्रॉब्लम था वो भी निकल जाएगा, और अभी गाड़ी जो स्मूथ फायरिंग आएंगी वो अलग ही आएंगी। जब आप चलाएंगे तब इसका फील महसूस होगा, और आप ऑटो रिक्शा ज्ञान में ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे वीडियो। तो फिलहाल आप पैकिंग तो मैंने डाल चुकी थी क्योंकि आपको दिखाई नहीं, थोड़ा बारिश चालू है दोस्तों, बारिश की वजह से मोबाइल का जो ख़राब हो सकता है आप देख सकते हैं ऊपर। फिटिंग करने का तरीका भी बहुत ही आसान है दोस्तों, इस तरह उसको जो भी पुराने नट बोल्ट है उसको अच्छे से वाइसर, स्प्रिंग वाइसर और जो रबर की नीचे पैकिंग है वो भी देख सकते हैं, जो पेड़ा उसका उसका काट के वहाँ लगाया, क्योंकि वाइब्रेशन के टाइम उसमें आवाज़ आती है और फिर साइलेंसर का नट बोल्ट गिर जाता है और नुकसान उठाने से अच्छे उसको अच्छे से पैकिंग लगा देनी और आगे चल के आपकी गाड़ी अच्छे कंप्रेसर और साउंड अच्छे से मिले। तो काम करते टाइम कोई जल्दबाजी नहीं, पूरा काम 200-300 के आसपास हो जाता है, कभी कम खर्चा भी लग सकता है दोस्तों। अबे आप जहाँ काम करते हैं वो मिस्त्री पे डिपेंड करता है कितना पैसा चार्ज करता है। तो फिलहाल हम वीडियो बनाने के लिए खुद ही दोस्त रहते हैं, हम दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं, और आप देख सकते चाहता था मैं अकेला भी काम कर सकता, पर कैमरा पकड़ने के लिए कोई रहता नहीं और टाइम उतना बचता नहीं, और काम करने के लिए और आपको टाइम बचे इसलिए आपको ये वीडियो बनाते। तो फिलहाल मैं महाराष्ट्र नासिक से अनिल बागोल और मेरा दोस्त इमरान शेख ऐसे बहुत सारे वीडियो आपको देखते में मिलेंगे, और आगे चल के गाड़ी में जो भी प्रॉब्लम हो सॉल्व होने के बाद उसके ऊपर का ये देख सकते साइलेंसर का कवर है, क्योंकि बहुत सारा साइलेंसर गर्म होता है, इसके लिए उसके ऊपर ये बॉडी कवर है उसको भी अच्छे से फिट करना, और फिटिंग करते समय देख सकते हैं नट बोल्ट इस तरह नीचे की तरफ आप घुमाना है, क्योंकि बहुत से ऑटो ड्राइवर को पता नहीं नट बोल्ट राइट में घुमाना है या लेफ्ट में, तभी नीचे की तरफ उसको जो नट है उसको जो चपटी पानी से उसको नीचे की तरफ घुमाते रहना है, जितनी ताकत हो उतनी ताकत से लगा देना, क्योंकि दोस्तों ये नट बोल्ट ढीले हो जाए या गिर जाए फिर आपको परेशानी हो सकती है और गाड़ी में कंप्रेसर पिकअप का प्रॉब्लम बढ़ सकता है। तभी देख सकते बारिश चालू है, बारिश में काम, धूप भी गिरी दोस्तों पर मोबाइल गीला ना हो इसलिए आपको दिखा देना चाहता हूँ। तो फटाफट अभी ऊपर का बॉडी कवर फिट कर लेना है, उसके बाद आप जब भी गाड़ी चलाओ उसका जो साइलेंस का साउंड है बहुत ही बढ़िया आता है, और आप बोलोगे दोस्तों छोटी चीज़ें पर बहुत काम की चीज़ है, और फोस्टर गाड़ी के लिए आपको ध्यान देना है पिकअप, और आगे चल के और भी ऐसे बहुत सारे वीडियो में आपको डालूंगा जो पिकअप से हो, तो दोस्तों ये भी ध्यान देना है, कभी कभार आप भूल जाते हैं। मैं अनिल बागोलो और मेरा दोस्त इमरान, इसलिए मैं हम काम करते समय खुश रहो आबाद रहो ये चीज़ें भी ध्यान में रखना है, हंसते रहो मुस्कुराते रहो ऐसे वीडियो, बारिश हो धूप हो कुछ भी हो काम करते रहना है और दो पैसे बचाते रहने। तो दोस्तों ऑटो रिक्शा ज्ञान में आपके लिए ऐसे बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तो ये 10 का नट है दोस्तों, ध्यान रखना है, ज़्यादा कसना नहीं है, कभी ख़राब हो जाए। बाय, नेक्स्ट वीडियो के लिए अपडेट मिलते रहेंगे। तो दोस्तों चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना है, और आने वाली हर वीडियो के लिए बेल आइकन दबाने। मैं अनिल बागोल, ऑटो रिक्शा ज्ञान।